चौहान साहब क्या कहेंगे जो ये हाथरस की घटना हुई है एक दलित बच्ची के साथ, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये तो बहुत जघन्य अपराध है, प्रतिक्रिया वाली बात नहीं है। इसको तो कोई भी आदमी समझदार, मतलब इसकी कोई बड़ाई तो कर ही नहीं सकता। तो इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और जहां तक इसके समाधान की, निदान की बात है, मतलब हमने पहले भी जब ये दिल्ली में वो निर्भया कांड हुआ और उस चीज को सख्त कानून बनाया, तो हमारा जब भी ये मत था कि कानून सख्त बनाने से, कानून में तो जो अंग्रेज ने जो आईपीसी में सीआरपीसी में दे रखा है वो सख्त से सख्त कानून है, लेकिन उन कानूनों को अमल में कोर्ट लाती है, पुलिस तफ्तीश करती है और फांसी की सजा देने के लिए कलम तोड़नी पड़ती है, उस जज का बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, उस जज की सोच होनी चाहिए, उस जज को कहीं कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। जो तफ्तीशी है, आईओ है, उनको कहीं लोभ लालच नहीं होना चाहिए। जो ये इस सिस्टम में, तफ्तीशी सिस्टम में, न्यायपालिका में जो ढेर सारी खामियां हैं, कमियां हैं, जब तक उनको दूर नहीं किया जाएगा, कानून कितने बनाओगे और कितने सख्त करोगे? सख्ती एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, सख्ती एग्जीक्यूशन की होनी चाहिए, ना कि कानून। लेकिन तो क्या लगता है, क्या न्याय मिल पाएगा? देखो, तो न्याय जो प्रक्रिया है वो न्याय तो उसी प्रक्रिया से मिलेगा, वरना हम ये कहेंगे कि भाई उसकी भी जांच हो रही है, वो एक गैंगस्टर था दुबे, मतलब वो तो कह रही है पुलिस के वो कार या जीप स्लिप हो गई और वो भाग रहा था और हमने एनकाउंटर में मार गिराया, मतलब तो लोगों को तो ऐसे दरिंदों को कि भाई लोगों की तो ये मानसिकता है कि भाई इनकी क्या नहीं कहा, जब इनको पकड़ने गए तो वो पुलिस वालों की जीत क्यों नहीं स्लिप हुई और इन्होंने पुलिस पर हमला, जब पुलिस ने कहा कि भाई हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है। जिस तरीके की कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सजातीय वर्ग के लोग हैं इसलिए सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, देखो इसमें जातीय और दलित और उस एंगल से भी बड़ा एक मानवीय एंगल भी है। मतलब आप ये देखो कि भाई मान लो दलित क्यों, अगर स्वर्ण की बेटी के साथ भी, मतलब ये तो एक मानवीय, किसी की भी बेटी वो अपनी बेटी है, अगर इसमें कहीं कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कोई जातीय पक्षपात और भेदभाव किया जा रहा है तो वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है और भी उसकी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। निर्भया के बाद दावे किए गए थे, अब लगता है आपको न्याय मिलेगा? मोहनलाल जी, हमारे आपके कहने की बात नहीं है, ये चीजें तो अब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने भी लगाई थी, तो इंदिरा गांधी ने ये थोड़ी सोचा था या कि भाई मैं गलत कर रही हूं। तो जो सत्ता में बैठा होता है ना, शासक होता है, इसीलिए राजे महाराजाओं में और इस लोकशाही में ये फर्क है, उन राजे महाराजाओं की बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, शिक्षा दीक्षा होती थी, उनको सब चीजों का, अच्छाई बुराई का, उसको सहने की एक क्षमता होनी चाहिए। अब कहते हैं ना कि पैसा हरेक के पास नहीं रुकता, सिर्फ वैश्य कम्युनिटी को, बढ़िए को ही लक्ष्मी डांटनी आती है। ऐसे ही सत्ता का नशा भी ऐरे गैरे नत्थू खैरे के बस की डांटना नहीं है, उसके लिए भी एक पूरी उसकी एक उसका डीएनए होना चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। जब अब ऐसे आधे अधूरे ओछे आदमियों के हाथ में अगर न्यूक्लियर का एटम बम आ जाता है, सत्ता के शीर्ष पे कोई बैठ जाता है और वो फिर कोई संवेदना ना दिखाए,
वो संवेदनहीन हो जाए, वो सत्ता में मगरूर हो जाए, तो अंजाम क्या होगा राम जाने। तो आपको लगता है ऐसी जघन्य अपराध पर भी शासक जो है वहाँ उसकी मानसिकता को दर्शाता है, किस तरह की मानसिकता, एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, चुप्पी साध लेना, क्या कह सकते हैं? मतलब ये तो उसकी मानसिकता तो वो जाने, लेकिन जो चीजें स्पष्ट आ रही है पब्लिक डोमेन में जो आ रही है, उसकी क्या अवधारणा बनेगी या क्या अवधारणा बन रही है, वो चीजें, समय बहुत बड़ी चीज है, तो ये वक्त बताएगा। जो ये यूपी की हाथरस की घटना जो सामने आई है, एक बच्ची के साथ उसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया है आपका? जी, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं तो नेता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। इसकी जितनी भी संघन्य कांड की जितनी निंदा की जाए, जितनी दरिंदों की अहमानी दरिंदों ने किया है उसका, उसकी जितनी निंदा उतनी कम होगी। और एक बच्ची जो अपनी माँ के साथ घास खोदने के जंगलों में गई थी, खेतों में गई थी, और उसकी माँ थोड़ी दूर पर थी, और वो चार दरिंदे आते हैं और उसको वहाँ से उठा लेते हैं, उसकी गैंगरेप करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है गला दबा के, उसकी जीभ काट दी जाती है। कितना मैं कहता हूँ अहमानी कृत है, अहमानी से अहमानी कृत है। और उसके बाद उसकी माँ को पता लगता है तो उस बेहोश और कोमा में पड़ी हुई बच्ची उस हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो हॉस्पिटल में 15 दिन के बाद जीवन और जिंदगी संघर्ष लड़ते लड़ते दम तोड़ देती है। तो जिससे आज पूरा देश में भारी आक्रोश है। और मैं कहता हूँ कि कोई कहता है बाल्मीकि समाज, ये बाल्मीकि समाज की बेटी नहीं थी, ये पूरे हिंदू समाज की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। इसको किसी एक जाति या समाज में बांटना मैं तो बहुत गलत है, वो आदमी जो भी बांट रहा है उसमें गलत है। आज मैं तो कहता हूँ हिंदू संगठनों को पूरा आरोप लग रहे हैं कि वो बाहर नहीं जाते, उनको बाहर आना चाहिए। अरे हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू बेटी थी, वो देश की बेटी थी, उसके साथ लोगों ने साथ आना चाहिए और संबुद्ध की मदद करनी चाहिए। आज कैंडल मार्च एक निर्भय मरगी थी दिल्ली के अंदर, उसका भी साथ ऐसा हुआ था दिल्ली का, उसमें भी लोग सारा देश उलट पड़ा था। आज को आज हम देखते हैं मेरे एक बहुजन समाज दलित समाज ही आगे आ रहा है, कुछ स्वतंत्र लोग बेचारे जो मानवता के वो हैं पुजारी हैं वो आगे आ रहे हैं। तो इससे एक हिंदू बेटी की नज़र में देखते हैं। और मैं कहता हूँ भारत देश का मीडिया, ये पूंजीवादी मनुवादियों का मीडिया जो आज मतलब इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला, उसके मरने के बाद ये मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं, आज उनकी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, वो मेरा बड़े खतरनाक। मैं तो कहता हूँ पूंजीवादी मनुवादी मीडिया को तो आप लोगों ने बहिष्कार कर देना चाहिए, इसकी टीवी बंद कर देना चाहिए इन चैनलों का। आप तो स्वयं आप नेशनल मीडिया से जुड़े रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में आपने लिखा है, क्या आपने अपने इस 40 साल की पत्रकारिता के करियर में ऐसा कभी देखा है मीडिया का गंदा रूप कि किसी देश की बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है और मीडिया चुप्पी साध लेता है? देखिए मोहनला जी, आज जो मनुवादी और ये पूंजीवादियों का मीडिया है, जो आज मैं तो कहता हूँ गोदी मीडिया, जो आज मतलब एक इशारे पे चलता है, आज लोकतंत्र की और पत्रकारिता की आज जड़ों को जर्जर कर दिया, हिला दिया, इनकी मंजिल ही गिरा दी है आज इन्होंने। आज मतलब बड़े श्रम की बात है, हमें पत्रकारिता की 40 वर्ष की, और हमारी पत्रकारिता में कोई भी कहीं टुक नहीं था, कहीं भी हमने दलितों का गरीबों का मदद की है पत्रकारिता के नाते। आज ये मीडिया सिर्फ पैसों वाला का मीडिया हो गया, और मैं तो कहता हूँ पूरा समाज को इसको बहिष्कार कर देना चाहिए, लानत है ऐसी मीडिया को, ऐसी पूंजीवादी मीडिया को। आने वाले समय में किस रूप में आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं?
मैं तो कहता हूँ क्या अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है? मैं तो कहता हूँ बहादुर नहीं, दलित तो आज कोई सुरक्षित नहीं है, सीधी सी बात है। और यूपी के अंदर तो जंगल राज हो गया और वहाँ तो अराजकता फैल गई है। और मैं तो कहता हूँ यूपी में, यूपी के सीएम में योगी जी जो एक साधु हैं, उनमें अगर कुछ शर्म बची हो तो इस्तीफा देना जाना चाहिए, अगर उसके बाकी है तो। लेकिन पता नहीं क्यों बैठे हैं वहाँ। और इससे और जिन दरिंदों ने जो दर्दगी की उस बच्चे के साथ, वो दर्दगी प्रशासन और पुलिस ने की, क्योंकि पुलिस वहाँ से उस बच्ची को हॉस्पिटल से मरने के बाद उसकी लाश को उठाती है, परिवार को नहीं सौंपती है, और उसको जबरदस्ती उसके माँ पर भाइयों को धक्का मारती है और वहाँ ले जाती है, उस जंगल में ले जाती है और जंगल में उसको जड़ा दिया जाता है। जब आप जैसे कोई पत्रकार जाते हैं तो पूछते हैं भैया क्या हो रहा, तुम वहाँ का जो एक इंस्पेक्टर कह रहा है, मेरा मैं नहीं बोलूँगा इस पर, मेरा जबान बंद है, मैं हिंदुस्तान बोल नहीं सकता। आप डीएम से भी पूछिए और उसकी उसको झगड़ा दिया जाता है कि क्या ये हमारे हिंदू संस्कार में यही रात को हमारा कोई दाह संस्कार किया जाता है किसी राष्ट्र का? एक डूब मरो मतलब वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस, मैं तो कहता हूँ पुलिस वालों पर भी, उन जिन पुलिस वालों से डीएम ने जो वहाँ के दाह संस्कार किया, उनको भी इतना ही जुर्मी है, इतने भी अपराधी हैं, उन पर भी वही अपराध की धारा FIR दर्ज करनी चाहिए धर्मों के साथ साथ।